गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिकली जो बात करने जा रहे हैं वो है MBBS इन चाइना। सी एक चीज सबको पता है, सब लोग अभी MBBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। MBBS के प्रिपरेशन के साथ साथ सबका एक ही ड्रीम होता है कि डॉक्टर बनना। कोई भी बच्चा बी ग्रुप लेता है तो बी ग्रुप ऐसे ही नहीं लेता है कि BSc करना है, उनका एक ड्रीम होता है डॉक्टर बनना। नीट के अंदर अगर आपके ज्यादा मार्क्स नहीं आते, आप क्वालिफाइड हो जाते हो, लेकिन इफ यू विल नॉट गेट मोर देन 450 और 500 मार्क्स, तो आपको यहाँ पे इंडिया में एडमिशन मिलना बहुत डिफिकल्ट काम है। सब कोई सोचता है कि इंडिया में ही एडमिशन चाहिए, लेकिन किसी को प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होता कि इंडिया में सीट की क्या प्रॉब्लम्स होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम सीट्स है। 15 लाख बच्चे करीबन एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से ओनली आई थिंक 10% जितने लोग को इंडिया में एडमिशन मिलना पॉसिबल, बाकी 90% लोग का ड्रीम वहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। इसके लिए अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। मार्केट में कंसेप्ट लोग बहुत सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ वो लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करके दिखा रहे हैं या तो फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करके दिखा रहे हैं, कोई भी वो कंट्री की एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहा है। हमारा जो मेनली फोकस है एज अ सॉफ्टवेयर एजुकेशन, सॉफ्टवेयर एजुकेशन की सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ तो सॉफ्टवेयर एजुकेशन ग्रुप इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। It's registered in Ukraine as well as in India. Also, Sokhtar Education के कुछ contracts अलग अलग दूसरे countries में भी available है, like Russia, China, Philippines, Kazakhstan. So, globally presence रखने वाला एक मात्र संस्था है ये हमारा। दूसरी अगर मैं बात करने जाऊँ कि जो options market में promote हो रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा ऊपर लेते रहता है, उसमें जो सबसे ज्यादा ऊपर आ जाता है वो आता है ऑप्शन चाइना। सी चाइना पहले से डिमांडेड में है इंडिया में, रीजन उसके कुछ थे लेकिन अभी वो रीजन चेंज हो चुके हैं जो आपको समझना खास है। फर्स्ट ऑफ रीजन जो था वो था कि चाइना में 4.5 साल का कोर्स था, 1 साल का इंटर्नशिप था, इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड था। तो जो मार्केट में प्रमोशन अभी तक जो हो रहा था वो 5 साल के पैकेज के हिसाब से हो रहा था। इस साल अगर कोई 5 साल के हिसाब से प्रमोट कर रहा है देन इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज अभी MCI वालों ने क्या कर दिया है कि कोई भी कंट्री हो नॉर्मली हर एक का सिलेबस 6 साल का कंपल्सरी कर दिया। नॉर्मली 6 साल का कर दिया हुआ है, 6 साल के अंदर चाइना में भी 6 साल का ही फीस हो गया है विद इंटर्नशिप। आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहां पे कि नहीं कर रहे हो उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फीस आपको अभी पे करना पड़ेगा कोई भी यूनिवर्सिटी में। उससे क्या हो रहा है, बेनिफिट डेफिनेटली अभी भी चाइना में है। चाइना में बेनिफिट यह है कि उसका इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड है। सो अगर मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने को ट्राई करूंगा, हम लोग अभी एक एक करके एक एक पॉइंट पर बात करेंगे तो थोड़ा व्यू आपका क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है और अब्रोड का है बहुत सारे डिफरेंट। कोई भी कंट्री वाला ऐसा बोल रहा है कि हम इंडियन करिकुलम के हिसाब से सिखा रहे हैं आपको, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। सी सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट होता ही होता है हर एक कंट्री के अंदर, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री का सिलेबस फॉलो नहीं करता है। सो ये चीज ध्यान में रखनी है अपने को। अभी पहले तो हम लोग एजुकेशन सिस्टम के बारे में समझते हैं कि इंडिया का क्या सिस्टम है, उसके बाद ही आपको एक्चुअली पता चलेगा कि सिनारियो एक्चुअली क्या रहता है अब्रॉड के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे चाहे इंडिया के बारे में। इंडिया में क्या होता है, 10+2 आपने कंप्लीट किया, दैट मीन्स 12, पैरेलली आप नीट क्वालिफाइड कर रहे हो, तब जाके आपको MBBS पे
एडमिशन मिलेगा, इट्स गवर्नमेंट और इट्स अ प्राइवेट। इसके बाद एग्जाम आएगा नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड नीट एग्जिट एग्जाम। इसके बाद अगर नीट एग्जिट के अंदर तीन पोर्शन हो जाएंगे, क्या, एक तो आप क्वालिफाइड हो रहे हो अच्छे मार्क्स से तो आपको पीजी में एडमिशन मिल रहा है, अगर आप सिर्फ क्वालिफाइड हो रहे हो लेकिन पीजी के लिए क्वालिफाइड नहीं हो पा रहे हो तो आपको एमबीबीएस का लाइसेंस मिलना है, अदरवाइज यही एग्जाम फिर से देनी है अप टू 36 ईयर एज। ये अभी फिलहाल जो सिनारियो है वो ये सिनारियो है। चाइना में क्या बेनिफिट हो रहा था लास्ट ईयर तक, मेन तो फीस का ही था, बाकी तो जो भी अभी देखा ना, चाइना के अंदर क्या हो रहा था, 10+2 वाला बच्चा 12th किया, नीट क्वालिफाइड किया, चाइना में एडमिशन लिया, चाइना में अगर आपने इंटर्नशिप कर लिया है तो आप एमसीआई देने के बाद, अगर एमसीआई के नीट एग्जिट नेक्स्ट आप क्वालिफाइड हो रहे तो सीधे आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। बाकी सब कंट्री में क्या होता है, यूक्रेन रशिया बेलारूस लाइक इट कंट्री, इंटर्नशिप वहां पे होती है लेकिन वो यहाँ पे वैलिड नहीं की जाती। सो आप एमसीआई दे रहे हो, उसके बाद आपका इंटर्न हो रहा है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस शुरू हो रहा है, ये एक सिनारियो है। सो चाइना उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है, लेकिन अभी सिनारियो थोड़ा डिफरेंट हो चुका है। क्या है सिनारियो समझाता हूं, यहां पे हम लोग एक जस्ट लीगली सब चीजें चेक करेंगे। सबसे पहले जाएंगे हम लोग mcaindia.org वेबसाइट पे, यहां से आपको क्लिक करना है, इसका लिंक भी आपको शेयर करूंगा, लिंक क्या रहेगा वो इंफॉर्मेशन डेस्क पे जाके फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इन अब्रॉड पे क्लिक करना है। अभी अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लिस्ट दिए हुए हैं। सबसे पहला जो लिस्ट आता है वो आता है हर एक कंट्री का मिक्स है, ये लिस्ट इसमें तो चाइना नहीं है, चाइना को डिफरेंट रखा हुआ है, इसमें हर एक कंट्री की यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ये देखेंगे इट्स अ 407, अभी अगर चेक करेंगे 407 यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, बराबर ये वाला ये देख सकते हैं, इससे नीचे जाएंगे आप तो आप देख सकते हैं चाइना का लिस्ट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज अप्रूव्ड बाय एमओई चाइना फॉर एडमिटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर एकेडमिक कोर्स 2017-18 इन इंग्लिश मीडियम। ये जो यूनिवर्सिटीज है ये है सिर्फ और सिर्फ MBBS इन इंग्लिश मीडियम के। दूसरा जो अगर आप यूनिवर्सिटीज देखेंगे, ये जो है यहां पे आप वर्ड चेक कर रहे हैं, आपको लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल, ध्यान से ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या है bilingual and Chinese, ये वर्ड थोड़ा रिमेंबर रखेगी, याद रखिएगा। अभी मैं दूसरी एक नोटिफिकेशन दिखाने वाला हूँ आपको, तब जाके ये चीज आपको समझ में आएगी क्यों मैं इस चीज को मना कर रहा हूँ। सी मार्केट के अंदर हर कोई प्रमोशन करने बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि प्रमोट करने नहीं बैठा, हर एक को चाहिए बिजनेस, तो आपको जो भी चीज उसके पास अवेलेबल होगी आपको अच्छी दिखाने को ट्राई किया जाएगा। इट्स आफ्टर ऑल बिजनेस, if you are not able to understand in Hindi then I will distribute you in English. In market all consultant wants to promote their product and because of that they are promoting this kind of
options which is not reliable option for you in your future, because it's a bilingual and Chinese programs. It's not a Hindi program. So I repeat it again. Whenever you think about China, just think about the English option only, not think about the bilingual or Chinese. And remember those words. I will explain you why. It's a new and latest notification for the 2019. So I will show you, and after that you will clear about it. समझ गए? मैं जस्ट ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ इसके बाद, अभी इससे पहले हम लोग थोड़ा और एक ब्रीफ में जाएंगे कि चाइना में पहले क्या कंडीशन था. अप टू लास्ट ईयर सीट बाइफर्केशन चाइना के अंदर था. ये आप देख सकते हो, चाइना का हर एक साल का लिस्ट रखा हुआ है. इट्स 2016-17. व्हाट इज द सीट्स ओवर 3470. जस्ट रिमेंबर इट एंड नोट डाउन इट. ये आप डायरी में लिख के रखिए, क्योंकि दूसरे नोटिफिकेशन में ये चीज आपको बहुत क्लियर होने वाली है क्या हो रहा है. वो 15-16 में क्या हो रहा है, सीट कितना था, 3470. अगेन 13-14 में क्या सिनेरियो था, सीट था ऑलमोस्ट डबल, 6020. अगेन 12-13, व्हाट, इट्स मोर देन 6000. सो चाइना के अंदर क्या है कि एक सीट लिमिटेशन है. आपका जो JW202 लेटर इश्यू होता है, चाइना में एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है. कुछ कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है, कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती. उसका डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो के बावजूद हम लोग हमारा हेल्पलाइन नंबर भी शो करेंगे. इवन हमारे ये जो स्क्रीन है इसके ऊपर भी हेल्पलाइन नंबर दिया गया है. अगर आपको कोई भी डाउट लगता है चाइना के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू होता है, कौन सी में नहीं होता है, उस चीज के लिए कुछ भी क्वेश्चन, यू विल एबल टू आस्क अस एनी टाइम विदाउट एनी कॉस्ट. सी, इंफॉर्मेशन लेना तो जरूरी है कोई भी जगह पे एडमिशन लेने से पहले, बिकॉज इट विल डिसाइड अबाउट योर फ्यूचर. आर यू एबल टू बिकम अ गुड डॉक्टर, or are you able to become only doctor? Both words value is there. See, अगर आपके पास knowledge है आप अच्छे डॉक्टर होने वाले हो, knowledge नहीं मिल रहा है आपको, आप अगर bilingual में फंस रहे हो, it's choice of yours. So अभी जिस दूसरा जो notification मैं दिखाने जा रहा हूँ, just आपको क्या करना है, Indian Embassy in China. गूगल में जाकर सर्च कीजिए, इवन हमारी वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये लिंक्स अवेलेबल है, कहीं पे ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको. अभी इसके अंदर एक जो नोटिफिकेशन आया हुआ है मैं जस्ट अभी आपको दिखाता हूं. यस, एम्बेसी ऑफ इंडिया बीजिंग हैज बीन रिसीव्ड क्वेरी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव इंडियन स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स विद द रिस्पेक्ट स्टडी एमबीबीएस इन चाइना एंड कॉलेजेस इन चाइना which are authorized to impact MBBS course in foreign student. इसके अंदर यहाँ पे ये पैराग्राफ पड़ी है. Prospective students are advised to not carefully that only this 45 Chinese university is authorized to admit international student for an MBBS degree in English. They may also note that warning in the notification that teaching of MBBS course under a bilingual, that means English Chinese model is strictly forbidden. See, आपको पैकेज कम हो रहा है, आप bilingual select कर रहे हो, see, उससे अच्छा पैसा बर्बाद मत करो. अगर आपके पास बजट नहीं है तो MBBS का ड्रीम छोड़ दो, लेकिन वो पैसे को वेस्ट मत. बायलिंगुअल में आप जा रहे हो, दैट मींस कि आपका पैसा वहां पे वेस्ट हो रहा है. एंड दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है, चाइना के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, हर एक यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है. स्टूडेंट मस्ट रिक्वायर्ड मोर देन 70% इन पीसीबी एंड इंग्लिश, एज वेल एज दे रिक्वायर्ड मोर देन 200 और 250 प्लस मार्क्स इन नीट. आफ्टर दैट यू विल एबल टू गेट द एडमिशन इन चाइना फॉर एमबीबीएस कोर्स इन इंग्लिश मीडियम. दिस इज द फैक्ट. सेकेंड थिंग, अगर आप ये सोच रहे हो, अगर
या बायलिंगुअल में जा रहे हो वहां पे इंग्लिश पढ़ाया जाएगा. सी प्रमोशन इज दैट इट्स एजेंट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स. सो व्हाट एवर द टीचिंग स्टाफ प्रोवाइडेड ओवर देयर दे आर प्रोवाइडेड बाय द एजेंट ओनली. सो इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी टीचिंग स्टाफ ओवर देयर. अगर पीएचडी कर रहा है कोई बंदा चाइना के अंदर या फिर किसी ने एमबीबीएस किया हुआ है दूसरी कोई कंट्री से यहाँ पे एमसीए क्लियर नहीं कर पा रहा है उसको एज ए टीचर वहां पे अपॉइंट करके रख दिया जा रहा है वो आपको एमबीबीएस पढ़ा रहा है व्हाट रिजल्ट यू विल गेट. सी डीस के अंदर ही खाना नहीं है तो मैं दूसरे की डिश में कहां से परोसूंगा. मेरे बाउल में मेरे बकेट में कुछ नहीं है तो दूसरों को कैसे खिलाऊंगा. ये सोचने वाली बात है. जो बच्चा 6 साल खुद पढ़ा नहीं है जिसने खुद एमसीए क्रैक नहीं किया नीट पीजी क्रैक नहीं किया है वो बंदा आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करवा रहा है. गुड क्वालिटी एजुकेशन मस्ट रिक्वायर्ड व्हेन आर यू व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द एमबीबीएस स्टडी इन अब्रॉड. सो चाइना के अंदर जब आप सोच रहे हो तो चाइना के अंदर अगर एडमिशन आपको करना है तो बिफोर जून आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. लिसन माई वर्ड केयरफुली. It's again one more topic for you. If you think about the China and you are assured that you will going to get good marks in the 12th, in some state result already declared, so they know that the result is good, like South India or Bihar, like that state. So, आपको पता है कि आपके नीट में कितने आने वाले हैं तो पहले से ही सीट ब्लॉक करके रख लीजिए. Listen this word carefully. Why? अभी वो चीज भी आपको पता चली. मैंने आपको एक चीज बताई कि चाइना में सीट बाइफर्केशन क्या था. जो सीट थी मोर देन 6,000 बिफोर 3 years. अगर सीट काउंटिंग आप करेंगे 3,000 तो अपने इस साल की हम लोग एवरेज गिन रहे 3,200, 3,100 दूसरी 3,000 थी ये हो गई 2017 में 3,200 है यहाँ पे हो रही है 6,000 यहाँ पे हो रही है ऑलमोस्ट 7,000. दैट मीन्स इफ यू विल कैलकुलेट इट देन द टोटल इज 3,200 seat आपको अकेले को इंडिया को नहीं मिल रही है. इट्स डिवाइडेड इन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एंड नेपाल. बाकी सब कंट्रीज भी होगी लेकिन ये कंट्रीज ही है अभी. सो सी 19,000 स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं. सो रेफरेंसेस ऑलरेडी ओवर देयर इज 19,000 और मोर देन 19,000. और अभी जो सीट की बात आ रही है जो इस साल की सीट्स है दिस इज द लेटेस्ट लिस्ट इट्स 3,370. सो चाइना में भी वो सिनारियो क्रिएट हो रहा है कि जहां के अंदर जैसे इंडिया का सिमिलर सिनारियो इंडिया में 15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं लेकिन सीट 10% ही है वही कंडीशन वहां पे चाइना में भी क्रिएट हो रही है. 10-20% सीट्स आर देयर. सो जब भी चाइना के एडमिशन के बारे में आप सोच रहे हो सबसे पहला ध्यान रखना है आपको कि कभी भी इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी को ही प्रेफरेंस देना चाहिए बायलिंगुअल को नहीं देना चाहिए. जो जो पॉइंट्स तो ध्यान में रखने हैं वो क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे. थिंक अबाउट ओनली इंग्लिश मीडियम. Don't think about
While I'm well. Second case, book admission as soon as possible. डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए होते हैं चाइना के लिए, डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे. आप अगर हमको कॉल करते हो कभी भी, ये वीडियो आप जो देख रहे हो, देखने के बाद अगर और डिटेलिंग, अलग अलग कंट्रीज के हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन. सो कभी भी कोई जानकारी चाहिए, हमारा YouTube चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो. कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कमेंट भी कर सकते हैं आप डायरेक्टली, इट्स अवर व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं. कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है चाइना में, वो कैसे सिलेक्ट करना है, उसकी जानकारी भी चाहिए. कोई भी स्टेट का बच्चा होगा हमको कॉल करेगा, यहाँ से इंफॉर्मेशन दी जाएगी. सी you will going to get book admission in our company or other company. It's not a very big problem for us, but our motto is simple. We just want to save each and every Indian student's life. We don't want to spoil their life in bilingual or Chinese like that option. See, if Chinese language ki baat karte hai, it's a symbolic language. So it's a difficult for understanding as well as writing. अगर आप इंडिया की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की बात कर रहे हैं, रशिया की बात करते हैं, it's alphabetic language. So some alphabetic difference is there. It's easy to understand and easy to speak also. But when we think about China, it's something different. It's symbolic. So even एक मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ लास्ट में. चाइना में जब स्टूडेंट जाते हैं, वहां के स्टूडेंट को आपका नाम जो भी होगा, अशोक होगा, मनोज होगा, या फिर दीपक होगा, दिग्विजय होगा, जो भी होगा, उनको ये नाम बोलने नहीं आते हैं. तो वहां पे स्टूडेंट के चाइनीज नाम रखे जाते हैं, उसके नाम से उसको बुलाया जाता है. यह एक मजेदार चीज है जो किसी को मालूम नहीं होती है. वहां पे आपका नाम पूरा डिफरेंट होता है चाइना में, आपको आपके नाम से कोई नहीं जानता है. They will not going to accept any other country's product like WhatsApp, like YouTube, like Google Chrome, even your name is there. They just want to use their product only and their word only. So whenever you think about China, just think about in a proper way. That is my advice. After getting this advice, whatever you want to take decision, it's your choice. I will not going to pressurize you for anything. It's your life and your wish. Thank you very much for listening. We have a daily based webinar. If you want to join the webinar, just call on this number and register for webinar also. We will provide you the complete counseling with your parents. You don't want to go to any kind of hotel or any seminar. You just sit here at home. आपके घर पे बैठिए, घर के सोफे पे बैठिए, बेडरूम पे बैठिए, आपके पेरेंट्स के साथ बैठिए और आपका ये वेबिनार आप एंजॉय कीजिए. और वहाँ पे हर एक कंट्री का एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो थैंक्स फॉर योर टाइम. कभी भी देख रहे हो सोखता हुआ एजुकेशन ग्रुप का कोई भी वीडियो, कोई भी कंट्री को हम लोग प्रमोट नहीं करेंगे, कोई भी यूनिवर्सिटी को प्रमोट नहीं करेंगे. वी आर जस्ट अवेयर यू ऑल स्टूडेंट अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड व्हाट एवर द बेटर चॉइस फॉर योर एस्पिरेशनल क्वालिफिकेशन वी विल प्रोवाइड. थैंक यू वेरी मच.